हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज एक इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कॉमिक्स कैरेक्टर ड्रॉ करने वाला आर्टिस्ट अपना हेड ट्रांसप्लांट करता है, तो उसमें कुछ सुपर एबिलिटीज आती है, मगर एक आम आदमी का सुपर हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। मूवी का नाम है लोबाओ, जो 2017 में रिलीज हुई एक वियतनामी मूवी है। तो चलो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टोनी वियतनाम के एक छोटे से खूबसूरत टाउन में अपनी वाइफ कियारा और 8 साल के बेटे डोडो के साथ रहता है। तीनों की खुशहाल जिंदगी है। टोनी के जिंदगी का एक ही सपना है, उसे अपना सुपर हीरो का कॉमिक्स पब्लिश करना है। टोनी कॉमिक्स के लिए कैरेक्टर्स ड्रॉ करता है, तो वह दिन रात अपने कॉमिक्स बनाने में लगा है। उसके कॉमिक्स का हीरो है लोबाओ, लोबाओ यानी नकाबपोश। उसकी पत्नी कियारा एक कैफे चलाती है और उसी पे उनका घर चलता है। अंकल मार्को टोनी के वेलविशर है और उनके फैमिली के बहुत क्लोज है। टोनी भी उन्हें अपने पिता समान मानता है। मार्को का स्ट्रॉबेरी फार्म है। टोनी जिस टाउन में रहता है वहाँ कुछ सालों से काफ़ी लोग गायब हो रहे हैं, जिसकी मिस्ट्री सुलझ नहीं रही। टाउन छोटा होने की वजह से छोटी सी घटना भी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। अंकल मार्को को टोनी की ड्राइंग्स पसंद है, मगर उन्हें लगता है उसके उस लोबाओ हीरो का रोमांटिक एंगल होना चाहिए, कॉमिक्स में इमोशन होनी चाहिए, तभी उसकी स्टोरी लोगों के दिल को छुएगी। मगर टोनी के दिमाग में लोबाओ का कैरेक्टर एक एक्शन हीरो का है, जो एक साथ कई लोगों का अकेला मुकाबला करता है और कभी नहीं हारता। टोनी को कुछ दिनों से खांसी का प्रॉब्लम सता रहा है, जिससे वो बहुत परेशान है। तो यहाँ टोनी अपनी खांसी को लेके हॉस्पिटल में टेस्ट करवाता है, तो उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते जिंदा रहेगा। वह सुनकर टोनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, और क्यों ना हो, वह अभी सिर्फ 30 साल का है। उसके सपने भी अभी पूरे नहीं हुए। उसके पीछे उसकी फैमिली है। वह उन्हें छोड़ के अभी मरना नहीं चाहता। वह अपना गुस्सा मार्को के सामने जाहिर करता है। उसे समझ में नहीं आता वह स्मोक नहीं करता, शराब नहीं पीता, तो यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसकी मौत का सुन के मार्को भी शॉक हो जाता है, तो वह उसे अपने घर के एक सीक्रेट रूम में लेके आता है। वह सीक्रेट रूम दरअसल एक रिसर्च लैब कम ऑपरेशन थिएटर होता है, और तभी हमें पता चलता है कि मार्को दरअसल एक डॉक्टर साइंटिस्ट है जो मेडिकल पे रिसर्च करता है। वहाँ की मशीन्स देख के टोनी हैरान होता है। वह मार्को से पूछता है कि वह किस बात का रिसर्च करता है, तो मार्को उसे बताता है हेड ट्रांसप्लांट का। वह पिछले 25 सालों से सिर्फ जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते आया है, इंसानों पे उसने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि उसके पास वैसी परमिशंस नहीं। मार्को टोनी की स्कैनिंग करता है और उससे कहता है कि डॉक्टरों ने सही कहा है, वह 2 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका है। टोनी की सभी आशाएं टूट जाती है। बेबस होके रोने के सिवा उसके पास कुछ बचता नहीं। तभी अपने लोबाओ कैरेक्टर को देख के उसके दिमाग में एक सोच आती है कि जैसे उसका सुपर हीरो वक्त आने पे नकाब पहन के एक अलग कैरेक्टर में चला जाता है, वैसे ही वह क्या किसी का शरीर लगा के अलग इंसान बन सकता है, हेड ट्रांसप्लांट करके नई जिंदगी जी सकता है। टोनी तुरंत मार्को के पास जाके उसे परमिशन देता है कि वैसे भी वो मरने वाला है, तो उस पर हेड ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट किया जाए। मार्को उससे कहता है कि उसने भी यही करने का सोचा था, मगर इतने शॉर्ट पीरियड में उसके ब्लड ग्रुप से मिलती दूसरी हेल्दी ताज़ी लाश को ढूंढना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोनी का ब्लड ग्रुप रेयर है। तो अब निराश होकर टोनी सुसाइड करने की सोचता है, क्योंकि मौत के इंतज़ार में वो अपने बचे कुचे दिन नहीं काटना चाहता। वो अपनों को रोज़ रोते हुए नहीं देख सकता, तो वह पासी के जंगल में जाके खुद को लटका के फांसी लगाने की कोशिश करता है, मगर वह नाकामयाब होता है। तभी वहाँ भागते हुए मार्को आता है और उसे समझाते हुए घर ले जाने लगता है कि तभी गन फायरिंग की आवाज़ें आती है, तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग एक आदमी पे फायरिंग कर रहे हैं और वह आदमी भी बैकफायर कर रहा है। तभी एक गोली लगने से वह मर जाता है। वह देख के टोनी पुलिस को बुलाने की सोचता है, तो मार्को उसे रोकता है। उस मरे हुए आदमी को देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। वह उस आदमी की बॉडी को मार्को के लैब में लेके आते हैं। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से उन्हें पता चलता है उस आदमी का नाम निगेल है, और मेडिकल कार्ड से पता चलता है उसका और टोनी का ब्लड ग्रुप एक ही है। यही नहीं, टोनी और निगेल की बॉडी भी एक दूसरे के कंपेटिबल है। तो मार्को टोनी से कहता है कि तकदीर ने उसे एक मौका दिया है, तो क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। टोनी जानता है यह इल्लीगल है, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो अब ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। मार्को टोनी से कहता है कि उसका सर काट के निगेल की बॉडी पे लगाया जाएगा, जिससे उसकी मेमोरी तो जैसे के वैसे रहेगी,
मगर उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे। मार्को टोनी को एनेस्थेशिया देता है मगर उसका उस पर कुछ असर नहीं होता। मार्को उससे कहता है कि जेनेटिक्स की वजह से उसके ह्यूमन सिस्टम में बदलाव आया है, तो अब मार्को उसे एनेस्थेशिया का स्ट्रॉन्ग डोज देता है और उसका ऑपरेशन करता है। मार्को को खुद उसके ऑपरेशन के सक्सेस की गारंटी नहीं होती मगर ऑपरेशन कामयाब होता है। सबसे ज़्यादा खुशी तो मार्को को ही होती है। अब निगेल का वह कटा सर वह पूरे रिचुअल के साथ दफन करते हैं। मार्को टोनी से कहता है कि इस ऑपरेशन की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। यह सीक्रेट हम हमारे सीने में दफन कर देंगे। अब धीरे धीरे टोनी रिकवर होने लगता है। एक दिन डोडो अपने डैडी को मिलने आता है मगर अपने डैडी के हाथ देख के वह सरप्राइज होता है कि अचानक उसके डैडी के हाथ इतने कड़क और लंबे कैसे हो गए। टोनी उससे कहता है कि दवाई लेने से यह हुआ है। दरअसल वह बॉडी निगेल की होती है। अब एक महीने बाद टोनी अपने घर आता है और अपने कॉमिक्स पे काम शुरू करता है। जब वह कैरेक्टर ड्रॉ करने जाता है तो चूंकि उसकी वह नाजुक आर्टिस्टिक उंगलियां नहीं रही तो कई कोशिशों के बाद भी वह कैरेक्टर ड्रॉ करने में कामयाब नहीं होता, जिससे वह खुद पे चिढ़ जाता है। तो वह उसका ड्रॉइंग डेस्क उठा के बालकनी से नीचे फेंकता है। मगर अगले ही पल उसे आश्चर्य होता है कि इतना वजनदार टेबल उसने इतनी आसानी से कैसे नीचे फेंका। वह समझ जाता है भले सर उसका हो मगर नीचे बॉडी किसी स्ट्रांग आदमी की है। तो वह कियारा और मार्को को 100 किलो की स्कूटर आसानी से उठा के दिखाता है। कियारा दंग रह जाती है तो मार्को सोच में पड़ जाता है। एक रात टोनी, कियारा और डोडो मूवी देख के लौट रहे होते हैं तो कुछ गुंडे कियारा का पर्स छीन के भागते हैं। टोनी उनके साथ एक स्किल फाइटर की तरह फाइट करके उनसे मुकाबला करता है मगर फाइटिंग स्किल के साथ उसमें एक किलर इंस्टिंक्ट भी आया है, तो वह एक गुंडे का खून करते करते अपने आप को रोक लेता है। गुंडों से लड़ते हुए टोनी को जख्म होती है तो अब वह हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल को देख के टोनी को वह जगह जानी पहचानी लगती है। उसे विजन्स आने लगते हैं और एक लेडी डॉक्टर दिखने लगती है। तभी वही डॉक्टर उसके जख्म पे मलम पट्टी करती है। टोनी उसे एकटक देखता रह जाता है। डॉक्टर का नाम नताशा होता है। वो भी नोटिस करती है कि टोनी उसे एकटक देख रहा है। वो टोनी से उसकी वजह पूछती है तो टोनी उससे कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो उससे पहले मिल चुका है। नताशा को लगता है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब टोनी ये सब बातें मार्को को बताता है। मार्को उससे कहता है कि निगेल की कुछ सेलुलर मेमोरी टोनी के ब्रेन में गई होगी जिससे उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। निगेल कभी उस हॉस्पिटल में गया होगा, उसने उस डॉक्टर से इलाज करवाया होगा, इसलिए उसे वो जाना पहचाना लगा। निगेल फाइटर होगा तो उसकी फाइटिंग स्किल टोनी में आ गई होगी। टोनी मार्को से कहता है कि नताशा को देख के उसे फीलिंग्स होती है। मार्को उससे कहता है हो सकता है उन दोनों में रिलेशंस हो। अब मार्को टोनी को ताकीद देता है कि वह ज़्यादा एडवेंचरस बनने की कोशिश ना करे। अगले दिन सुबह टोनी जॉगिंग करते करते अपनी ही सोच में एक घर में जाता है और फ्रंट डोर खोलने की कोशिश करता है, मगर जब चाबी नहीं लगती तो उसे होश आता है कि वो उसका घर है ही नहीं, किसी और का है। जब वह घर पे लिखा एड्रेस देखता है तो उसे याद आता है वही एड्रेस उसने निगेल के ड्राइविंग लाइसेंस पे देखा था, मतलब वह घर निगेल का है। उसे फ्लैशेश आते हैं कि निगेल उसके घर की चाबी दीवार में एक पत्थर के पीछे छुपा के रखता है। टोनी जब वह पत्थर निकालता है तो उसे अंदर रखी चाबी दिखाई देती है। वह चाबी फिर से वहीं पे रख के चला जाता है। अब वह डोडो को कार से स्कूल छोड़ने जाता है कि तभी वह देखता है रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक आदमी कार के नीचे दबा है। 5 लोग कार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनसे हो नहीं रहा। तो अब टोनी अकेला उस कार को ऊपर उठा लेता है। उस आदमी को नीचे से बाहर निकाला जाता है। क्राउड में खड़े कुछ लोग इस वाकयात का फोटो निकालते हैं। कार में बैठा डोडो अपने डैडी की यह करामत देखता है और उसे लगता है कि उसके डैडी तो सुपर हीरो हो गए हैं। अब लोकल न्यूज़ में यह खबर छपती है तो टोनी के पहचान वाले तालियां बजा के उसे ग्रीट करते हैं। डोडो चिल्ला के सबसे कहता है कि उसके डैडी लोबाऊ है यानी सुपर हीरो है। मगर इस बात से कियारा टेंशन में आती है कि कहीं इस बात की शर में चर्चा ना हो और उन पे कोई मुसीबत ना आ पड़े। टोनी उससे कहता है कि किसी की जान बचाने में क्या बुराई है। टोनी की इस एडवेंचर पे मार्को भी गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी स्पेशल पावर पब्लिक के सामने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। टोनी उससे कहता है लोग ऐसी बातें तो 2 दिन में भूल जाते हैं, मगर लोग नहीं भूलते। टोनी जहाँ जाता है वहाँ उसे टाउन हीरो के नाम से पुकारा जाता है। एक दिन टोनी एक होटल से गुजर रहा होता है तो उसे फिर से नताशा के विजन्स आने लगते हैं। टोनी उस होटल में जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह नताशा के साथ वहाँ पहले भी आ चुका है। तभी वहाँ पे नताशा आती है और उसे वहाँ देख के चौंक जाती है। एक दिन टोनी जॉगिंग कर रहा होता है कि वह देखता है
एक बिल्डिंग को आग लगी है और ऊपर एक छोटी लड़की फंसी है। लोग नीचे खड़े रह के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, मगर कोई उसे बचाने नहीं जा रहा। तो अब टोनी के अंदर का सुपर हीरो जाग जाता है। वह बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदते हुए बड़े साहस के साथ उस लड़की को बचाता है। सब लोग तालियां बजाते हैं, मगर इस चक्कर में टोनी को जख्म होती है तो वह मलम पट्टी कराने फिर से हॉस्पिटल में जाता है। नताशा जब उसकी जख्म पे स्टिचेस डाल रही होती है कि उसकी नज़र टोनी के पीठ पे हुई और एक पुरानी जख्म पे जाती है। उसे देख के वो शॉक होती है। वो टोनी को उस जख्म के बारे में पूछती है, मगर टोनी खुद नहीं जानता क्योंकि वह जख्म उसे नहीं निगेल को हुई थी। वह ऑपरेशन के पहले की जख्म होती है। तो टोनी नताशा को कोई झूठ-मूठ का रीजन बता देता है कि वह बचपन में पेड़ से गिरा था। मगर नताशा को शक होता है। वह टोनी के ब्लड रिपोर्ट्स चेक करती है तो टोनी के ब्लड के पैरामीटर्स निगेल के ब्लड से मैच होते हैं। वह देख के वह समझ जाती है कि निगेल ही टोनी है। यहाँ मार्को टोनी के एडवेंचर को देख के परेशान होता है और उस पर गुस्सा भी होता है। मगर अब टोनी अपने इस नए टाउन हीरो के स्टेटस को एंजॉय करने लगा है। उसे लोगों का अटेंशन अच्छा लगने लगा है। मार्को उससे कहता है कि सुपर हीरो बनने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि तुम्हारी फैमिली और करियर को देख के बचाया। वह उससे कहता है, सुपर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, बस एक अच्छे हस्बैंड और फादर बनो। जिससे दोनों में बहस होती है। टोनी मार्को से कहता है, आपने मेरी जिंदगी जरूर बचाई है, मगर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। अब कियारा भी टोनी से कहती है, जब से ऑपरेशन हुआ है तुम बदल गए हो। अब ना अपने कॉमिक्स पे काम करते हो, ना ढंग से बात करते हो। उस पर टोनी उससे कहता है, उसे अपने हस्बैंड पे गर्व होना चाहिए कि अब उसका हस्बैंड सिर्फ सुपर हीरो ड्रॉ नहीं करता, बल्कि उसकी तरह काम करता है। टोनी की बातों से मार्को नाराज होके वहां से चला जाता है। दूसरे दिन नताशा टोनी से मिलने उसके कैफे में आती है और उससे कहती है कि निगेल उसका बॉयफ्रेंड था और उसकी पीठ पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसे टोनी की पीठ पे है, और अब निगेल गायब है। टोनी उससे कहता है, निगेल से उसका कोई लेना देना नहीं। तभी वहां पे कियारा आती है तो नताशा वहां से चली जाती है। उन दोनों को साथ में देख के कियारा को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। रात को टोनी को नताशा का मैसेज आता है। वो उसे दूसरे दिन रोज की जगह मिलने बुलाती है जहाँ वह निगेल से मिला करती थी, और टोनी भी बराबर वहाँ पहुँच जाता है। उसे वहाँ आया देख नताशा कन्फर्म होती है कि टोनी ही निगेल है, वरना उसे उस जगह का पता कैसे होता। टोनी उसे साफ मना करता है कि वह निगेल नहीं है, मगर वह नहीं मानती। अब यह निगेल कौन था यह जानने के लिए टोनी उसके घर के अंदर जाता है, जहाँ उसे सीक्रेट सेफ में बहुत सारे वेपन दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि निगेल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अब जब वह निगेल के घर से बाहर आता है तो उसे एक आदमी रोकता है। वो उससे पूछता है, तुम मेरे दोस्त के घर क्या कर रहे थे? टोनी उसे निगलेक्ट करके जाने लगता है तो वह टोनी को जमीन पे गिराता है, जिससे पता चलता है वह आदमी भी स्किल फाइटर है। एक पल टोनी उससे फाइट करने की सोचता है, मगर अपने आप को रोक लेता है। उस आदमी को भी लगता है कि टोनी निगेल है। अब वह आदमी, जिसका नाम मिखाइल होता है, वह अपने बॉस डैंग के पास जाता है और डैंग से कहता है कि टोनी ही निगेल है और प्लास्टिक सर्जरी करके उसने अपना चेहरा और आइडेंटिटी चेंज की है। अब जब मिखाइल डैंग को टोनी के फोटो दिखाने लगता है तो डैंग को एक फोटो में टोनी के पीछे खड़ा मार्को दिखाई देता है। वह मार्को को पहचान जाता है, मगर वह मार्को को प्रोफेसर यांग कह के बुलाता है, मतलब मार्को का भी कोई राज है। यहाँ घर में कियारा टोनी और नताशा के रिलेशन को लेके उस पे नाराज है। रात को टोनी को नताशा का मैसेज आता है, टोनी के शरीर में निगेल के भी सेल है जो उसे नताशा की ओर खींचने लगते हैं। तो वह उसके घर चला जाता है। कियारा भी उसका पीछा करते हुए नताशा के घर तक पहुंचती है। उन्हें साथ में देख के उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। मगर दरअसल आइन वक्त पे टोनी अपने आप पे कंट्रोल रख के नताशा से दूर होता है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा निगेल नहीं हूँ, निगेल मर चुका है। नताशा उससे पूछती है कि वह दावे के साथ कैसे कह सकता है कि निगेल मर चुका है। तो अब टोनी उसे अपने गले पे लगे ऑपरेशन के घाव दिखाता है। वह उससे कहता है, सर मेरा है, मगर नीचे शरीर निगेल का है। वह देख के नताशा शॉक होती है। अब टोनी जब घर में आता है तो कियारा डोडो के साथ घर छोड़ के चली जाती है। तभी मिखाइल डैंग के साथ वहाँ आता है। डैंग टोनी से कहता है कि वह प्रोफेसर यांग से मिलना चाहता है। तो टोनी उसके आदमियों के साथ लड़ पड़ता है। वह उन आदमियों को तो हराता है, मगर मिखाइल से मुकाबला नहीं कर पाता। अब जब एक गुंडा गन चलाता है तो टोनी वहाँ से भागता है। डैंग के गुंडे टोनी का पीछा करते हैं। काफी लंबी चेस के बाद टोनी भागने में कामयाब होता है। अब वह सीधा मार्को के पास जाता है। जब मार्को को पता चलता है डैंग प्रोफेसर यांग को यानी उसे ढूंढ रहा है, तो वह सोच में पड़ जाता है।
तभी टोनी के मोबाइल पे मिखाइल एक वीडियो क्लिप भेजता है, जिससे टोनी को पता चलता है कि मिखाइल ने कियारा और डोडो को किडनैप किया है। मिखाइल उसे फ़ोन करके बोलता है कि कल वो प्रोफेसर के साथ एक जगह आ जाए, अगर होशियारी की तो उसकी वाइफ और बच्चे को मार दिया जाएगा। अब जब वह दोनों जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। उन्होंने टोनी को निगेल के घर जाते देखा है और निगेल ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। पुलिस के हिसाब से वियतनाम में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें निगेल लोगों को किडनैप करने का काम करता था और अब वह वांटेड है। पुलिस यह भी जानती है कि डैंग उस रैकेट को चला रहा है, मगर कोई और भी है जो इस ऑर्गन के बिजनेस को अंजाम दे रहा है। पुलिस मार्को से कहती है कि उन्होंने डैंग के पुराने अकाउंट चेक किए तो उन्हें पता चला कि मार्को को डैंग से काफ़ी रुपए हर महीने मिला करते थे। वह 26 साल पहले की बात है। मार्को का असली नाम योंग ही है, तो अब मार्को उन्हें सच्चाई बताता है कि 26 साल पहले वह डैंग का पर्सनल डॉक्टर था। डैंग को एक अजीब बीमारी हुई थी जिससे उसके शरीर के सब ऑर्गन्स एक एक करके फेल होने लगे थे, तो वह इलीगल ट्रेडिंग के जरिए मार्केट से ऑर्गन हासिल करता था और तब मार्को ही उसका ट्रांसप्लांट किया करता था। मगर डैंग इस रोज की सर्जरी से छुटकारा पाना चाहता था, वह हेल्दी बनना चाहता था और उसका एक ही उपाय था, एक पूरा नया शरीर। तो मार्को हेड ट्रांसप्लांट पे रिसर्च करने लगा, जिसके लिए उसने अपनी वाइफ और बच्चे को भी छोड़ दिया। 25 साल बाद रिसर्च में तो कामयाबी मिली, मगर वह अपनी फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो गया। तब तक डैंग भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन चुका था। उसका मेन बिजनेस इनोसेंट लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हें ब्लैक मार्केट में बड़ी कीमत पे बेचना था। डैंग से छुपने के लिए ही मार्को ने अपनी आइडेंटिटी बदली थी। पुलिस मार्को की हेड ट्रांसप्लांट थियरी पे विश्वास नहीं रखती, तो अब टोनी उन्हें अपने गर्दन पे लगे सर्जरी के घाव दिखाता है। वो उन्हें निगेल का दफन किया हुआ सर भी देता है। टोनी को अब अपने सुपर हीरो गिरी पे अफसोस होता है। या मार्को की बातों से पता चलता है कि टोनी उसका ही बेटा है, जिसे वो रिसर्च के लिए बचपन में छोड़ के गया था। अब टोनी पुलिस से मिलके डैंग को पकड़ने का प्लान करता है। दूसरे दिन टोनी मार्को के साथ एक थिएटर में जाता है, जहां उसे मिखाइल ने बुलाया होता है, मगर पुलिस को साथ में देख के गुंडे फायरिंग करते हैं, जिससे थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। टोनी थिएटर के बाहर आता है तो उसे एक वैन में बैठे कियारा और डोडो दिखते हैं। अब टोनी उस वैन का पीछा करने लगता है तो डैंग के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। काफ़ी स्टंट के बाद वह वैन तक पहुंच जाता है। तभी नताशा उसके सामने आती है। वह कियारा को गन पॉइंट पे रखती है। दरअसल वही ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग की बॉस भी है और डैंग की बेटी भी। लोगों के शरीर से ऑर्गन निकालने का काम वही करती है। मिखाइल टोनी की घड़ी में लगाया ट्रांसमीटर तोड़ देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कार में नताशा टोनी को बताती है कि निगेल को मारने की इसलिए कोशिश की गई थी क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप और जेनेटिक सेल स्ट्रक्चर उसके डैडी यानी डैंग से मिलता था। निगेल की बॉडी डैंग की बॉडी के साथ ट्रांसप्लांट करने के लिए परफेक्ट थी। नताशा ने जब उसके ऑर्गन्स निकालने के लिए उसे एनेस्थेशिया दिया तो उसका उस पर असर नहीं हुआ और उसे नताशा की चाल का पता चला, तो वह उनके अड्डे से भागा। मगर नताशा की एक बुलेट से वो बुरी तरह घायल हुआ और मर गया, जहाँ से टोनी और मार्को उसे उठा के ले गए थे। अब टोनी को और मार्को को डैंग के अड्डे पे लाया जाता है। डैंग चाहता है कि मार्को ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि उसका हेड ट्रांसप्लांट करे, उसका सर टोनी के शरीर पे सर्जरी करके लगाए। अगर वह वैसा नहीं करेगा तो टोनी की फैमिली को मार दिया जाएगा। डैंग इस सर्जरी के बाद नताशा के साथ मिलके हेड ट्रांसप्लांट का काला धंधा शुरू करना चाहता है। मार्को किसी भी हालत में तैयार नहीं होता, तो डैंग कियारा और डोडो की रूम में पॉइजनस गैस छोड़ता है। तो अब टोनी अपनी फैमिली के लिए तैयार होता है। डैंग ने अपने कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारे लोगों के सर निकाल के रखे हैं। वह जानता है आगे जाके वह सर उसके काम आएंगे जब वह हेड ट्रांसप्लांट का धंधा शुरू करेगा। अब ऑपरेशन थिएटर में टोनी और डैंग को एनेस्थेशिया दिया जाता है, मगर एनेस्थेशिया का असर टोनी पे नहीं होता, यह बात नताशा को पता नहीं होती। तो मौका देख के टोनी गुंडों पे अटैक करता है और नताशा को शूट कर देता है। तभी पुलिस भी डैंग के अड्डे पे पहुंच जाती है। तो अब टोनी अपनी फाइटिंग स्किल इस्तेमाल करके कियारा और डोडो को बचाने भागता है। वह डोडो को तो बचा लेता है, मगर मिखाइल कियारा को लेके जंगल में भागता है। टोनी उसका पीछा करता है। अब जब मिखाइल कियारा को शूट करने जाता है तो टोनी पीछे से उस पर अटैक करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। मिखाइल कियारा को घायल करता है। टोनी अपने सुपर हीरो लोबाऊ को याद करते हुए मिखाइल को मात देता है।
कि तभी पुलिस मिकाइल को शूट करके मार देती है। डैंग को भी अरेस्ट किया जाता है। दूसरे दिन कियारा टोनी को लो बाऊ का मास्क देती है और उसे सुपर हीरो बनके लोगों की जान बचाने की परमिशन देती है। आखिर सुपर हीरोज की ज़रूरत सिर्फ कॉमिक्स में नहीं, असली जिंदगी में भी है, और हर कॉमन मैन में एक सुपर हीरो छुपा हुआ होता है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।